हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मैजिक मॉड्यूल्स बताने वाला हूँ जो अगर आपने अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 12 या फिर 13 को इंस्टॉल कर रखा है तभी आप अपने डिवाइस में इन मैजिक मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपके पास कोई और एंड्रॉयड वर्जन है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सबसे पहले उसे चेक कर लें। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो गाइस, हमारा जो पहला मैजिक मॉड्यूल है वो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको थोड़ा अलग बना देता है। जैसे कि आप सभी मेरा नोटिफिकेशन पैनल देख पा रहे हो, इसमें आपको एक अलग सा लुक देखने के लिए मिलता है। और हमारा जो वॉल्यूम बार है इसके अंदर भी आपको एक अलग सा लुक देखने को मिलता है। आप अपना डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड 12 वाला जो बार है वो आप साइड में देख पा रहे होंगे, उसके भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दोनों में चेंजेस देख सकते हो। तो गाइस, हमारे पहले मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करने के लिए यानी कि अपने डिवाइस में इस तरह के चेंजेस करने के लिए आपको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर आपको हमारे पहले मैजिक मॉड्यूल का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली यहां मॉड्यूल के सेक्शन पे जाके इंस्टॉल फॉर्म स्टोरेज के ऑप्शन पे जाके मैंने जो आपको पहला मैजिक मॉड्यूल दिया है वो फ्लैश करना है। ये देखिए, ये हमारा पहला मैजिक मॉड्यूल है PUI फॉर एंड्रॉयड 13। तो गाइस, आप इस मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करके अपने डिवाइस को रिबूट कर ले और आपके डिवाइस में भी हमारे डिवाइस की तरह एक अलग सी थीम अप्लाई हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको हमारा पहला मैजिक मॉड्यूल अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, अब अगर हमारे दूसरे मैजिक मॉड्यूल की बात करें तो वो भी हमारे नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज करने का काम करता है। इसके लिए आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर आपको एक ऐप देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको उसका सिंपली नेम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वाला वो ऐप है प्रोजेक्ट थीम, आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक मॉड्यूल भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा मॉड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये वाला हमारा मॉड्यूल है एंड्रॉयड 13 QS पैनल मोड। तो गाइस, आपको सबसे पहले इसे फ्लैश कर लेना है इंटरनल स्टोरेज में जाके। आपको इसका डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको अपने डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है, कंटिन्यू करना, और ये रूट की परमिशन मांगेगा, इसको दे देनी है। इसके बाद गाइस, आपको जो भी यहाँ पर लुक अच्छा लगे आप उसे सिंपली सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद दोस्तों, आप देखोगे कि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जैसे कि आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक आधा और चेंज करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, अप्लाई करूँगा, इसके बाद ओके करूँगा। इसके बाद जो मेरा नोटिफिकेशन पैनल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार। तो गाइस, अगर आपको ये वाला नोटिफिकेशन पैनल अच्छा ना लगे तो आपको सिंपली इस ऐप को ओपन करना है और आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसे डिसेबल कर देना है। इतना करने के बाद गाइस, आपका जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल है वो ऑन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। ये देखिए। तो गाइस, अगर आपको आज का हमारा दूसरा मैजिक मॉड्यूल भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे मैजिक मॉड्यूल की तरफ। तो गाइस, आज का हमारा जो तीसरा मैजिक मॉड्यूल है वो साउंड रिलेटेड है। तो गाइस, हमारा तीसरा मैजिक मॉड्यूल है डॉल्बी एटमोस। जैसे कि गाइस, आप सभी जानते होंगे कि हमारे एंड्रॉयड 12 में डॉल्बी और वाइपर को इंस्टॉल करना कितना हार्ड है। तो गाइस, मैं आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डॉल्बी का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डॉल्बी एटमोस है। तो गाइस, ये वाला हमारा डॉल्बी है। ये देखिए, डॉल्बी एटमोस 1+8 से ये पोर्ट किया गया है। आपको सिंपली इसका डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल फॉर्म स्टोरेज के ऑप्शन पे जाके फ्लैश कर लेना है और एक बार अपने डिवाइस को रिबूट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस, आपके जो एंड्रॉयड 12 और 13 है उसके अंदर डॉल्बी एटमोस आ जाएगा। आप इससे अपने डिवाइस की साउंड को इनहाइज कर सकते हैं। अगर गाइस आपको नहीं पता कि डॉल्बी एटमोस होता क्या है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी कि आखिरकार ये डॉल्बी एटमोस होता क्या है। तो गाइस, अगर आज के आपको हमारे तीनों मैजिक मॉड्यूल्स अच्छे लगे हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और गाइस, अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि जिस पे मुझे YouTube वीडियो बनानी चाहिए तो गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो गाइस, चलिए मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में।